राधे राधे। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ 6:30 बजे से। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। बच्चा लोग गए हैं दूसरे रूम में रेडी होने, मैंने उनको उठा दिया था आधे घंटे पहले, और अब अम्मा कर रही है उनको तैयार, और मैं करती हूँ जल्दी से बच्चों का टिफिन पर तैयार, बैग में डालती हूँ। तैयार हुआ नहीं हुआ देखती हूँ। मंतू तो हो गई है तैयार, उसके तो आज कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सुबह से बुला दर्द हो रहा है। बिना खाए वो बोला था दवाई खाता हूँ, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा खिला दिया था और अभी हो रहा है उस तैयार। अभी कैसा दर्द तो ठीक है। मेरे बाबू को आमा कर लिया तैयार। अब आज टेस्ट है तो इसको जरूरी है स्कूल जाना। अगर टेस्ट नहीं होता तो मैं आज मैम से छुट्टी ले लेती। अब बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी इसने अब गोली खाई, थोड़ा देर में तो असर होगा ना बाबू। आज स्कूल से आके ना फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हाँ ठीक है। पूरा यहाँ इसका सूज गया, दिखाओ थोड़ी इस साइड को। और मम्मी बोला खाना, और अभी दवाई इसमें दवाई दी तो बोलता मम्मी दर्द हो रहा है नीचे, मतलब मिलने में ऐसा बोला था। तो तभी मैंने इसको दबस्ती खा पर मैंने स्कूल में, तभी तो जाएगा जब ठीक होगा तभी तो टेस्ट भी दे पाएगा, वरना दर्द रहेगा पूरा दिन। तो अब आए स्कूल से आएगा फिर अभी डॉक्टर क्या और लेके जाएंगे। ठीक है। महाराजू को भी मैंने कर दिया है बाहर, पानी दे दिया है और पानी पी रहे हैं। ये देखो 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 मिर्चू मिर्चू चू चू चू। लाओ नाश्ता यार, पहले बाल बनाएगी फिर खाएगी। बाल बनाऊंगी हाँ। मन तो बोल लिया अभी बाल बनाने दो मम्मी, फिर खाऊंगी। तो मैं डाल देती हूँ इनके लिए प्लेट में खाना और फिर जल्दी से दे देती हूँ इनको। आज तो मुझे नहीं लग रहा कि मम्मी तो आज खा पाएगा, बहुत दर्द हो रहा है उसको पता है। अब आज जैसे तैसे फिर टेस्ट अच्छे से दे दे, फिर शाम को हम आएंगे स्कूल से आओगे फिर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। ठीक है। बच्चों की हो रही है अभी, बस नहीं आई है तो बच्चे बस नहीं आई अभी, बच्चे हो गए हैं तैयार तो बच्चे कर रहे हैं थोड़ी देर हम और पढ़ाई कर लेते हैं। आयुष अभी कर रहा है पढ़ाई। आयुष थोड़ा कान में हुआ, थोड़ा पहले से दर्द सही हुआ, देखा दवाई ने थोड़ा असर करा तो हो गया। और अम्मा कर रही है चावल साफ, और मेरी हो रही है तैयारी गेहूँ धोने की। चारपाई लगा दिया, दसरा ला गई और गेहूँ मेरा रहा ये, और जल्दी से मैं फटाफट गेहूँ धो के डालती हूँ चारपाई में। तो अभी दे मम्मी दे रही है फूलों को पानी, और अभी हमारी बस गई है अभी सौटा, तो अभी हम जाने लग गए रोड में। दीदी तो पहले ही चली गई थी, तो अभी मैं देता हूँ मम्मी को मोबाइल। और 6 दिन का एक्स्ट्रा हाँ, बीस में 20 आने चाहिए। ओके मामा आ गए हैं। मामा से हम पूछ रहे हैं पौध कब बिगा रहे हैं। मामा बोले अभी बिगा देंगे, और हम भी अभी बिगा देंगे। ये तो मैं गेहूँ धो रही हूँ। लागे बीज लागे अच्छा हाँ। हमारे तो दोनों खरीद के लाए हैं। अरे हमारा कल परसों लागे खरीद के बोलते, जब मामा लोग भी वो भिगाएंगे तभी भिगाएंगे। मेरे मैगी को भिगा भिगू के आज छड़क भी दिया होगा तभी तो। ये उल्दनी और खा लेट मामा। ऐसे मैंने सोचा गेहूँ धोती हूँ और लाइट चले गई है यार, थोड़ा देर और रह जाती लाइट तो मेरे गेहूँ भी धुल जाते, और लाइट वाला मेरा सारा काम हो गया, बस गेहूँ धुलना बचा था। अब लाइट ही चले गई। अब का गलू गोलू ए गोलू, अब का गलू तू नल चला, मैं गेहूँ धोती हूँ। ए गोलू अब तू नल चला, मैं गेहूँ धोती हूँ। ठीक अब गोलू से चलवाओ नल। अब मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ी देर लाइट का, तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। बच्चा पार्टी मेरे चले गए हैं तू स्कूल। बाहर का सारा काम ख़त्म करके अब ला गई हूँ मैं पोछे की बाल्टी पोछे की बाल्टी, और जल्दी से अब मैं सारे रूम में पोछा लगाती हूँ।
सारे रूम में पोछा लगा के लास्ट का ये बच रखा है, उसके बाद होगी मेरी छुट्टी पोछा लगाने की। फिर उसके बाद हम जाएंगे घास काटने, काम ही काम है गाइस। चलो मैं आपको फिर मिलती हूँ पोछा लगाने के बाद। मम्मी की बन गई है दाल और सुबह सुबह बन गया है मम्मी का आज बैगन का। बताओ भाई क्या बना, जल्दी बता। तमिल बना रहा आज तब बन, तिम बन, तमिल बना, तिम ही बोल रहा, बता सब चीज मैं ही बोलूँ। आज बना है बैगन का भरता, मजा आएगा भात के साथ खाने में भी और रोटी के साथ खाने में भी। जा रहे हैं हम घास काटने, मम्मी तो चले भी गए हैं, वो गेट से बाहर पहुंच गए हैं और मैं भी जाती हूँ। बाय बाय, आपको आप मिलूंगी घास काट के जब आ जाऊंगी घर फिर, और मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं जल्दी से आऊंगी फिर आपको मिलूंगी। ओके, काट के आके अब मैं करती हूँ एक बार जल्दी से नाश्ता, फिर नाश्ता करने के बाद फिर नहाऊंगी। पहले भाई भूख लगी है, नहाने तक बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे, तो मम्मी भी नाश्ता करने लग गए हैं और मैं भी करती हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद नहाया जाएगा। और आज बना है बैगन का भरता और रोटी नाश्ते में, अब जल्दी से मैं खाती हूँ, फिर उसके बाद नहाना होगा। फिर नहाने तक कपड़े धुलने तक भाई भूख बहुत लग रही, क्योंकि मैं सुबह नाश्ता कर लेती हूँ, आज नहीं करा है। जैसे बच्चों के लिए मैं टिफिन बन तैयार करती हूँ तो मैं नाश्ता उसी टाइम कर लेती हूँ, लेकिन आज नहीं किया तो इसलिए मुझे भूख लग रही, मैं जल्दी से नाश्ता करती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी। ताई भी आ गई है आज हमारी, और हमारी हो रही है तैयारी। किस चीज़ की तैयारी हो रही है ताई, क्या बोलेंगे इसको? पौध रखने की तैयारी। पौध ये अभी 2-3 दिन इसको भिगाएंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर खेतों में लगाएंगे पानी, फिर इसको डालेंगे, फिर ये जब हरा भरा होगा फिर लगाएंगे खेतों में पौध। ये है पौध का बीज, अब हो रही है तैयारी। और इसमें दवाई इसलिए डालते हैं क्योंकि कोई धान का बीज ख़राब ना हो, अगर ख़राब हो तो कीड़ा वीड़ा लगा तो इससे मर जाता है, इसलिए ये दवाई डाली जाती है। अभी तुम तो करते बताइए अल्लाह तमिल पूछी इससे तो कुमरा नहीं हो, अभी बोल रहे कौन कर रहा है ये कोई भी दाना का ख़राब होगा तो इसलिए डाली जाती है, अभी खुद बोल रहे थे ये, और अभी खुद इतना ताई देखो बोलता है। अभी अभी मैं बोलती तो इसको कितना झूठ, मेरे से लोग बोलते हैं झूठ बोल लिया, अभी ताई है यहाँ पे, ये लड़का ऐसे बोलता रहता है। आ गया हमारा न्यू फ्रिज, आज आ गया हमारा फ्रिज नया है, अमा कह रही तू लंब की हो बल, तू फ्रिज छू डबल वाल छू, डबल वाल वाल जो अमा बता रहे ननू जो मैं कहूँ सामान, फिर दीदी फ्रिज यूज दीदी फ्रिज ना चलो ना एम बता रहे, अब एक को चलो ला अब ठूल मंगाया। इस कलर का है फ्रिज, आपको सारा ही सामान आ जाएगा यार, हमारे तो बस सामान की दिक्कत होती है। क्यों और सर यहाँ के इतने बड़े फ्रिज के अगर आप सच तो मैं यहाँ पे कितने बार आया हूँ, मतलब सामान लेने पे 400 रुपये। हमारा चाय का टाइम और पतिदेव धुल रहे हैं गाड़ी, आ जाए इनकी रात की बुकिंग, और फिर आज अब रात को जा रहे हैं बुकिंग में, रात की शादी है फिर कल वहीं से फिर और दिन की शादी में जाएंगे, फिर आएंगे कल रात को वही 8-9 बजे 10 बजे इतने बजे भी आएंगे। और फ्रिज भी करना है हमें सेट, अभी किचन में लगाना है। बच्चा पार्टी अभी उठ रहे हैं मेरे और फ्रिज देख रहे हैं, इनको तो सरप्राइज मिला है ना आज। बात का वही आने की आया कब, हमने हमें कुछ हवाई नहीं रखी, अचानक ही पापा ने बोला चलो आज फ्रिज लाते हैं, उस फ्रिज में कुछ आ भी नहीं रहा है, जैसे अभी आम आम का टाइम हो रहा है, पापा कह रहे थे आम आम का टाइम हो रहा है, सब्जी बहुत चीज़ होती है, वो छोटा फ्रिज है उसमें आ नहीं पा रहा है, पहले हमारे 2 फ्रिज थे तो फिर एक हो गया ख़राब, तो पहले एक अंदर चलाते थे एक किचन में चलाते थे, तो
दोनों में हम सामान आ जाता था। अब बचा हमारे घर में एक फ्रिज, तो उस फिर पापा ने कहा उसको हम दूसरे वाले रूम में चला लेंगे और बड़े वाले को किचन में चला लेंगे, आप उसमें भी सामान रखेंगे और इसमें भी सामान रखेंगे, इसमें भी डबल वाला है तो पूरे में आ जाएगा, ऊपर वाला भी खोल और ऊपर वाला भी खुल जाएगा, दोनों में आ जाएगा पूरा सामान ना। चलो बंद कर दो। तो यहाँ पर चिकन फिश सब चीज़ आया और नीचे फल। हाँ चलो चलो बंद कर दो। और यहाँ पर अंडे 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 हाँ ये सब आ जाएगा। और यहाँ पर भी जमी। हाँ और ये लगा दिया हमने किचन में। चलो बंद कर दो आप। चलो फ्रिज कब चलेगा? अब आज नहीं चलाना ना फ्रिज, कल चलेगा। कल और ये रखा हमने किचन में और पतिदेव लाए हैं मिठाई फ्रिज लाने की खुशी में, अभी हम सबको देंगे। अब मन तो हफ्स ले यहाँ, इसको हफ्स वाले दादी अम्मा के लिए रखना है। आ जाओ सबसे पहले इसको निकालो, दादी अम्मा के लिए रखो, उसके बाद सबको एक एक पीस खिलाएंगे। किस खुशी में? फ्रिज लाने की खुशी में। अब सबसे पहले हम दादी अम्मा के लिए रखेंगे, उसके बाद सबको। हाँ चलो अब सब लो भाई, हमारा फ्रिज बढ़िया चले, खूब सामान भरे, आशीर्वाद दो और मीठा खाओ। फ्रिज की मिठाई है ये? फ्रिज की खुशी की दे रहे हो फिर तुम तो, डब्बा ही मेरे को ही दे रहे हो क्या? फले फूले फिर तुम्हारा फ्रिज भरा रहे, भरा रहे सदा, अच्छा सदा, चले खराब ना हो, भरा रहे अच्छा चले। मैं भी आऊंगी मिठाई ना मिले खाने को, कुछ भी नई चीज आती है आशीर्वाद तो देते है ना, तो इसलिए मैं घर में मिठाई खाते खाते आशीर्वाद। बुड्ढा ने भी खा ली है और आयुष ने भी खा ली है और मन तो जा रही है अब अम्मा को देने, अभी आ जाती है अम्मा यहीं। और आज आया करेला और कटहल, कटहल आज बन रहा है करेला और कल बनाएंगे हम कटहल। अब मन तो वहीं चले गए अम्मा को देने मिठाई, अभी अम्मा यहीं आ जाती। चलो मम्मी भी खाओ मिठाई, मंदिर के लिए हमने रख दिया है, सबसे पहले हमने दादी अम्मा के लिए रखा। नया फ्रिज लाने की खुशी में हम भी तो खाएं भाई। मेरी फेवरेट मिठाई है, मैंने आप लोगों को बहुत बार बता दिया लेकिन जब भी मैं खाती हूँ तब भी बोलती हूँ। मम्मी ना हमें अभी तो है अपा हम ना मिर्च तो खा ला ना ला अपा हम तो ना भी खा ला खा ला ना थोड़ा हाथ दे दे हमारे चलो थोड़ा सा मीठा, मम्मी को ऐसे पसंद नहीं है रसगुल्ले में, थोड़ा तो मीठा खाओ। चलो आप डब्बा अंदर रख दो, कल खाओगे ठीक है। गोलू को नहीं देंगे हम, गोलू को भी दे दो रे थोड़ा सा मनु, गोलू को भी दे दो रे बाबा। मनु दिन में क्यों हो रही है तो गोलू दिन में अंधेर कर दे लाइ हम तो बेचारा से। ये भी तो हमारा छोटा सा बाबू है, फिर थोड़ा दे देंगे तो क्या होगा ना ताई, दे दे मनु। हाँ बस। मम्मी अब क्या काम कर रहे हो आप? पापा छुट्टी से दो तीन दिन हो गए, आटा लाए लाए चावल में इसमें खाली कर दिया, आटा इसमें कर लियो तो वही आटा खाली कर लियो। और पुराना वाला फ्रिज हमने इस कमरे में रख दिया है, आज से पुराने फ्रिज में भी हम सामान रखेंगे, इसमें सिर्फ हम दूध दही मट्ठा वाला इसमें रखेंगे और नए फ्रिज में सब्जी वब्जी फल फ्रूट जी है रोटी बनाना। और बन गई है मंतु की फेवरेट सब्जी करेले की, और मंतु की डिमांड है आज मम्मी को करेले की सब्जी खाना बनाना पराठे, और आयुष की भी वही डिमांड है। और बच्चा पार्टी मेरी अभी एक दो घंटे से हो रही है इनकी पढ़ाई, पहले इन लोगों ने या दिन के चार साढ़े चार बजे के टाइम में इनने सब पढ़ने वाला काम करा, मतलब याद याद करा, और अभी इनका हो रहा है लिखने वाला काम, क्योंकि आज पढ़ने वाला इनने दिन में इसलिए करा क्योंकि आज इनका ट्यूशन नहीं था तो इसलिए वो दिन में हो गया, और अभी ये लिखने वाला काम कर रहे हैं सारा कंप्लीट। और आज का टेस्ट कैसे गया बच्चा लोग? अच्छा अच्छा गया दोनों का। दो मार्क्स 20 का था, दो कटे 18। अभी घर आके इनने तुमने वो करा होगा ना, चेक करा होगा कैसा गया क्या गया? मैंने तो स्कूल में कर लिया था टेस्ट के बाद। इसके भी दो तो 18 समझ लो, आधा 19 भी वो सर के ऊपर है। अब सर क्या और नहीं तो जैसे अभी तुमने अपने हिसाब से लगाया तो तुम बोल रहे हो मतलब दो नंबर कटे हैं इसके भी। मैंने अपने मन से लिखा है ना आंसर, अब कट भी सकता है क्यों पूरा ठीक नहीं है। हाँ अगर आधा भी ठीक होगा जब ना कटे। हाँ और चलो फिर मैं रोटी वोटी बनाती हूँ। हाँ ठीक है। तो
में ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज। बाय बाय, गुड नाइट।